नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी राजस्थान में आप देख रहे हैं दो कदम और मैं हूं आपके साथ अंकुश वासव। सीधे रुख करेंगे उदयपुर का। जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर मौजूद हैं, संबोधित कर रहे हैं। सरकार पर रहना भी नहीं चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी करे। नौजवानों को चाहिए कि वो अपना सोच रखे, खुद के काम धंधे की भी रोजगार प्राप्त करने के लिए। हमने सरकार बनते ही MSME कानून बनाया राजस्थान के अंदर, जिसमें माइक्रो मीडियम और मिडल लेवल की उद्योग धंधे लग सके। कर्जा दिलवाते हैं उनको, ब्याज सरकार दे रही है। कई तरह की योजना हमने बनाई है नौजवानों के लिए, नए उद्यमियों के लिए, वो अपना खुद का धंधा शुरू कर सके। किसानों के लिए भी हमने फूड प्रोसेसिंग का है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। फूड एग्रो बिजनेस का है, एग्रो एक्सपोर्ट का है, उसमें 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भी है, अपना काम कर सकते हैं। पर आप जो नौजवान बैठे हुए हैं, ये बातें सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपके जहन में होना चाहिए सरकार क्या क्या ऑफर कर रही पब्लिक को। अगर जानकारी आपको होगी नहीं तो ये कितनी जॉब फेयर लग जाए, या भी एक सीमा होती है नौकरी लगने की, प्राइवेट सेक्टर भी एक सीमा तक ले सकता है आप लोगों को, पर इतने अपॉर्चुनिटी है उसको हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। उसका फायदा कैसे मिले, हम लोग कैसे उठा सकते हैं, उसके लिए हमने कई योजना बनाई है। हमने 5 लाख नौजवानों के लिए अनाउंस किया, 50,000 तक का उनको लोन मिले, पूरा ब्याज सरकार भरेगी उनका। हालांकि बैंक में कॉपरेट नहीं कर रही है, जितना करना चाहिए उतना कॉपरेशन नहीं मिल रहा है बैंकों से, वरना 5 लाख नौजवानों को अपना खुद का धंधा करने के लिए, दुकान लगाए, छोटी बड़ी ठेला लगाए, कुछ भी करे, बिना ब्याज सरकार भरेगी उनका। पर केंद्र सरकार की बैंकों को चाहिए, वो अमीरों को देती पैसा अरबों खरबों रुपए, पैसा डूब जाता उनका। ये तो लंदन भागे, देखते तो पढ़ते होंगे अखबार में आप, पर यह है वो भी उनके वन टाइम सेटलमेंट होते हैं, NPA होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाती है 1,000 करोड़ रुपए की, 2,000 करोड़ रुपए की, कोई पूछने वाला नहीं उनको। और 5 लाख बच्चों को अगर मान लो लोन मिल जाए, कुछ लोग वापस लोन नहीं चुका पाए मान लो, तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला उनको। पर केंद्रीय बैंकों की नीति और नियत ऐसी होनी चाहिए, रोजगार जब नहीं मिल रहा आपको, प्रधानमंत्री ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी दूंगा मैं हर साल, दे पाए क्या, दे पाए 2 करोड़ किसे कहते हैं, जो योजना बोल गए वो प्रधानमंत्री बनते वक्त में 14 के अंदर, कहां पड़ी नौकरी है, सरकारी नौकरी खाली पड़ी उनकी केंद्र के अंदर, वो नौकरी दे नहीं पा रहे, वो ये स्थिति है उनकी। इसलिए नौकरियां बहुत सरकारी और गैर सरकारी हम कैसे उत्पन्न करें, कैसे बढ़ावा दें, हमारा प्रयास होना चाहिए, हमारी नीति होनी चाहिए सरकार की, जिससे कि देश के नौजवानों को एक कॉन्फिडेंस रहे, जब मैं चाहूंगा मैं नौकरी मुझे मिल जाएगी, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ये कॉन्फिडेंस पैदा करना है का प्रयास भारत सरकार को भी करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए, वरना फिर कुंठा पैदा होती है बच्चों में, डिमोरलाइज होते बच्चे, पता नहीं हमारा भविष्य क्या होगा। माँ बाप देखते पता नहीं बच्चा पढ़ तो रहा है पर बाद में करेगा क्या, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, काम धंधा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, रोजगार का क्या होगा, शादी होगी, बच्चे पैदा होंगे, कैसे कमाएगा, कितनी चिंता लगी रहती है हर परिवार को। इसलिए आज वक्त है, चुनौती हमारे सामने है, रोजगार कैसे मिले लोगों को, बच्चों को। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो यहाँ पर आए हैं उद्यमी,
उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, उनके प्रतिनिधि भी आए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये लोग जिस रूप में आए हैं उचित ढंग से इन्होंने काफी प्रयास किया है आप लोगों को लेने का। कुछ लोगों को ऑफर मिली है, कुछ लोगों को नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं, पैकेज मिल गए हैं। ये सिलसिला हमारा अभी संभाग में चल रहा है। उसके बाद में अशोक चांदना जी हमारे मंत्री हैं, हर जिले में जॉब फेयर लगेंगे, तो प्रयास सरकार कर रही है प्राइवेट सेक्टर में किस प्रकार से नौकरियां अधिक से अधिक लगे आप लोगों की। आपको भी बताया चांदना जी ने, ये आंकड़े सरकार के हैं, 9 लाख इस देश से लोग जो उद्यमी हैं वो देश छोड़ चुके हैं, दुनिया के मुल्कों में जाके बस गए हैं, इन्वेस्टमेंट वहां करेंगे, नौकरी वहां के लोगों लगेगी, ये कोई शुभ संकेत नहीं है। हमें चाहिए कि हम ऐसे हालात पैदा करें, ऐसी योजना लेके आए, ऐसे पैकेज दें लोगों को जिससे कि यहाँ के इंडस्ट्रीज बाहर नहीं जाए, बल्कि बाहर का इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत जोर शोर से बात की थी, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो इस देश में आए। पर कहाँ आ रहा है, जितना आना चाहिए था उतना नहीं आ पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, हमारी सरकार राजस्थान सरकार ने जो उद्यमियों को पैकेज दिए हैं और पूरा देश का उद्यमी इस बात को लेकर प्रसन्न है, राजस्थान सरकार जो कस्टमाइज पैकेज दे रही है उनको इंडस्ट्री लगाने के लिए, छूट दे रही है, प्रमोट कर रही है, उससे मैं समझता हूं कि हमारी योजनाओं का स्वागत पूरे देश में हो रहा है। इसीलिए राजस्थान में उद्यमी आना पसंद कर रहा है और इन्वेस्टमेंट आ भी रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जॉब फेयर के माध्यम से भी नौजवानों को अवसर मिलता है, वो इंटरव्यू दे और किस प्रकार से अपना काम कर सके। पैकेज मिले हैं, जोधपुर में 18 लाख का पैकेज मिला है, जयपुर में 7 लाख 20 हजार का पैकेज मिला था, बीकानेर में 5 लाख का मिला था, यहाँ कितने का मिला है, 9 लाख का मिला है। तो पैकेज मिल रहे हैं। इस प्रकार से जो बच्चे आ रहे हैं, जो नौजवान आ रहे हैं, उनको बड़ा अवसर मिल रहा है। आपको जान के खुशी होगी, अभी 5-7 दिन पहले आंकड़े आए भारत सरकार के, राजस्थान देश में आर्थिक विकास के अंदर नंबर 2 पे आया है। नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, 11.4% GDP, राजस्थान 11.04%। आप बताइए राजस्थान की जो नीतियां हैं, जो राजस्थान की जो पॉलिसी बनी है उद्यमियों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, राजस्थान में चौमुखी विकास हो रहा है, GDP के आंकड़े तब आते हैं तब हर क्षेत्र में कितना विकास हो रहा हमारा है, पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों में, सर्विस सेक्टर में। तो राजस्थान का जो चौमुखी विकास दिख रहा आपको एक के बाद एक ही में, अब मैं आपको क्या बताऊं बार बार, आप सब जानते हैं, तो चाहे वो चेंज योजना हो और किसे कहते हैं, आप अगर घर में सर्दी जुकाम भी होता था, घर से निकलते थे अस्पताल के लिए डॉक्टर के पास में 200-400-500 रुपये लेके निकलते थे, चाहे उधार लो चाहे घर पे घर चल जाओ, बाकी तो छोड़िए आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख कितने खर्च होते थे, लोगों गहने बिक जाते थे, घर बिक जाते थे, उधार लेके जाते थे लोग। हमारी परंपरा बहुत अच्छी है, हम अपने माँ बाप की सेवा अंतिम सांस तक करते हैं, हमारा वो देश है, हमारा वो प्रदेश है। माँ बाप बूढ़े हैं, कैंसर है, डॉक्टर कह रहा है बचेंगे नहीं है, तब भी हमारी नीति रहती है, नीयत रहती है, नहीं चाहे 1-2 लाख लगे मैं बच्चा बचाने की कोशिश करूंगा। मकान बेच देते लोग, गले बेच देते,
माँ बाप बचने चाहिए हमारे, ये हमारे संस्कार है, चाहे वो नहीं बचे बाद में। अब हमने फ्री कर दिया सबके लिए, एक रुपया नहीं लगेगा आपका, पूरा इलाज फ्री होगा राजस्थान के अंदर। 10 लाख का बीमा किसे कहते हैं? MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, सब कुछ फ्री, सब जांचें फ्री आपकी। और आपको मालूम होगा इसके अलावा भी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, किडनी का है या लिवर का है या और बोन मैरो का है, वो आपके 10 लाख के अलावा होगा। वो खर्चा भी सरकार आपके परिवार को देगी, आपके पैसा खर्च नहीं करने देंगे। आप सोच सकते हैं। और 5 लाख का दुर्घटना बीमा अलग है परिवार के लिए। हिंदुस्तान के अंदर किसी राज्य में नहीं है, बल्कि दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होगा, दुनिया के अंदर पूरा इलाज में फ्री होता हो वो सिर्फ राजस्थान प्रदेश है, ये मिलावे के साथ अब कह सकता हूँ। तो आप सोच सकते हो, आराम हो गया आपको इलाज के लिए। प्राइवेट के अंदर भी हमने पैकेज दे रखे हैं, सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों में चाहिए जो राजस्थान में काम करते हैं उनको, हमारे पैकेज लिए उनके भी, वहां भी जाके आप इलाज करवा सकते हो। पर कई जगह पूरा पैकेज नहीं लिया, कहीं आधा लिया, कहीं ज्यादा लिया, कहीं कम लिया। मैं चाहूंगा उनको चाहिए, जब सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है, उनकी ड्यूटी बनती है, वो भी प्रदेशवासियों के हित के अंदर सरकार के साथ में कॉपरेट करें, सभी पैकेज ले लें, इलाज फ्री करें, ये हमारी सोच है। इसलिए मैं इस मौके पर आपको इतना कहना चाहूंगा कि हमने कई स्कीमें निकाली है, ओल्ड एज पेंशन निकाल दी कर्मचारियों के लिए, उनका भला हो गया, उनकी जिंदगी सिक्योर हो गई, बुढ़ापे के अंदर कम से कम हमें पेंशन मिलेगी। बड़ा लोग चिंतित थे, वो चिंता मुक्त उनको भी किया है, शहरों में रोजगार शुरू कर दिया है, नरेगा की तरह शहरों में भी बहुत वेलकम उसका भी हो रहा है, 8 रुपये में भोजन मिल रहा है, इंदिरा रसोई से बहुत पॉपुलर योजना हो रही है, अच्छा खाना मिलता है, अच्छे बैठा के खाना खिला रहे हैं उन लोगों को। मैं खुद 2-3 जगह खाना खा के आया हूँ और सबको मैंने आह्वान किया है, जनप्रतिनिधियों को, जाओ इंदिरा रसोई में खाना खाओ, 8 रुपये दे के खाओ खाना, तो कम से कम क्वालिटी अच्छी रहेगी। जो चलाती हैं NGO वो क्वालिटी मेंटेन करेंगे, फिर यहाँ कोई आगे खाना खा सकता है। इस प्रकार से किसानों को हमने जो मदद करी है, 1,000 रुपये प्रतिमाह दे रहे हैं उनको बिजली के लिए, उनके कुओं को बिल के लिए, 8 लाख किसानों का बिल 0 हो गया है, एक नया पैसा नहीं देना पड़ रहा उनको। 50 यूनिट हमने कम की आपकी बिजली की, फ्री कर दी है। आज 38 लाख उपभोक्ता है राजस्थान में जिनका बिल 0 आने लग गया है, हो सकता है आप मेरे बैठे उनका भी 0 आ रहा होगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात की अभी, 2-3 दिन है लाइन लगी हुई है, लॉटरी खोलनी पड़ रही, तब भीड़ पड़ रही है, क्योंकि इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, पढ़ानी बहुत जरूरी है बच्चों को हिंदी के साथ में। मैं भी बचपन में इंग्लिश के खिलाफ था, आज मैं कह सकता हूँ कि इंग्लिश की अपनी इम्पोर्टेंस है, उनको सीखनी चाहिए आप लोगों को भी, जो सीख सकता भी बच्चे नौजवान जिंदगी में काम आएगी। IT का जमाना है, मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर है, ये तमाम राजीव गांधी का सपना था कोई जमाने के अंदर, वो साकार हुआ, तो उसका लाभ हमें लेना चाहिए। पैकेज मिलते शानदार, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ के पैकेज मिलते हैं उन लोगों को। तो कहने का मतलब ये है, सारी स्कीमें लागू करेंगे तो पैकेज मिलेंगे। इंग्लिश स्कूल खोलते नहीं, आज तो नहीं दिख रहा, 5-10 साल बाद देखोगे आप कि हमारे बच्चे कितनी शानदार इंग्लिश बोलते हैं, कहाँ का पैकेज लेने के लिए जाते हैं, कितना उनको ऑफर होती है, आज कंपनी आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, अच्छे इंग्लिश बोलने वाले बच्चे मिलेंगे तो वो रोजगार का साधन मिलेगा, वो भी मेगा जो आज जॉब फेयर लग रहा है उसमें, फिर उसका एक अलग तरीका होगा मेगा फेयर का। तो कहने का मतलब ये है
कि सरकार कोई कमी नहीं रख रही है, शिक्षा की सुविधा बढ़ेगी तो नौकरी मिलेगी आपको। आप कल्पना कीजिए, अभी दो साल कह रहे थे आपको 250 के लगभग कॉलेज खुले आजादी के बाद में, और हमने उन्हें 4 साल में खोल दिए, 211 कॉलेज खोल दिए, 211 कॉलेज 4 साल में 94 कॉलेज खुल गई है लड़कियों की, और 500 लड़कियां अगर मिलेगी स्कूल के अंदर, आपको मालूम होगा 500 लड़कियां कहीं पढ़ने वाली होगी स्कूल के अंदर, उसको ही कॉलेज में बना दिया जाएगा, लड़कियों को घर से दूर नहीं जाना पड़े पढ़ने के लिए। पिछली सरकार जी बैठी हुई है, ये कह रही है कि आजादी के बाद पहली बार हमारे वहां नगर में कॉलेज एक भी नहीं थी, अभी मैंने 2 कॉलेज खोल दिए एक साथ में, इनके बाद 2 कॉलेज खोल दिए। चांदना जी कह रहे मेरे पास कॉलेज थी नहीं, 6 कॉलेज खुल गई है हिंडोली के अंदर, 6 कॉलेज किसे कहते हैं। आज राजस्थान में चिकित्सा को लेके और शिक्षा को लेके एक अलग माहौल बन गया राजस्थान का, शिक्षा का हब बनता जा रहा राजस्थान। तो मैं कहना चाहूंगा शिक्षा में हम ध्यान देंगे तो नौकरी मिलेगी आप लोगों को, उद्योगों में पढ़ी अच्छी लाएंगे तो नौकरी मिलेगी, उद्यम लगा पाओगे आप लोग, रोजगार कैसे मिलेगा, रोजगार चलेंगे। अभी भारत सरकार ने अग्निवीर लेके आ गए, अग्निपथ अग्निवीर, अब उनको पूछे कोई 18 साल की उम्र में लेंगे वो अग्निवीर बनाएंगे 18 साल की उम्र में, और 4 साल के बाद में वो 25 मिनट लोगों रखेंगे और 25 दिन रहेंगे आप घर लाओ, तो 22 साल का उम्र का बच्चा जो है किसे कहते हैं 22 साल का, वो फिर कहाँ नौकरी करेगा। वो ये स्कीम समझ के परे हैं, बच्चों में बहुत भयंकर आक्रोश है देश के अंदर, पर धमकी दे दी केंद्र सरकार ने, अगर हड़तालें की आप लोगों ने तो आपकी नौकरियों पे बैन लग जाएगा जिंदगी भर के लिए, डर के मारे चुप हो गए लोग, अच्छी बात नहीं है। डरा के धमका के आप चुप करोगे ये देश हित में नहीं है। 4 साल की नौकरी क्या होती है, क्या वो हथियार चलाना सिखा दोगे और मार्केट में छोड़ दोगे उसको, हथियार चला तो जाकर के वहां क्या करेगा, वो कुंडा पैदा होगी। ये बहुत स्थिति अलग स्थिति है, तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान सरकार आपकी सरकार है, ये कोई कमी नहीं रख रही है। हम लोग जिस प्रकार से लड़कियों को प्रश्न दे रहे हैं, 20,000 स्कूटी दे रहे हैं बच्चियों को काली भाई बिल के नाम से, कोई 1.5 लाख दे दी होगी हमने, 11.5 लाख साइकिलें दे दी हम लोगों ने बच्चियों के लिए, पढ़ाई करे बच्चे जाए, हमने खुशी है। लड़कियों की संख्या राजस्थान में लड़कियों की संख्या लड़कों ज्यादा हो गई पढ़ने वाले कॉलेज के अंदर, ये आपकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, सरकार सभी तरह से महंगाई की मार को कम करने के लिए कोशिश कर रही है, और साथ में रोजगार कैसे मिले इसमें कोई कमी नहीं आने देगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और इसीलिए ये जो मेगा फेयर लग रहे हैं सब जगह इसका अच्छा वेलकम हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में आप खुद देखेंगे इसका अच्छा इम्पैक्ट है। आप सब पधारे, आप सबको नए साल की मेरी शुभकामनाएं, आपके अपने परिवार को, आपका परिवार फले फूले स्पर्धिशाली बने, ये मेरी बहुत शुभकामना रहेगी। यही बात कहता हूं मैं, अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। जॉब फेयर का आयोजन किया गया है, आज दूसरा दिन है, और इस जॉब फेयर में करीब 15,000 युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है, और
करीब 70 कंपनियां यहां पर मौजूद हैं, स्टॉल लगाई हुई हैं और कोशिश यही है कि जो प्रदेश के युवा हैं उन्हें रोजगार मिले, अच्छा पैकेज मिले और ऐसे ही जो युवा हैं उनका विकास होता रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम जो योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं सरकार की ओर से जो चलाई जा रही हैं, जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको लेकर उनका जिक्र मुख्यमंत्री ने किया। जिस तरीके से लगातार प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर उन्होंने जिक्र किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उदयपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ है। इसके साथ ही लोगों से रूबरू होते मुख्यमंत्री नजर आए, उनकी जो समस्या है उनको लेकर उन्होंने बातचीत की है, ज्ञापन उन्हें सौंपे गए हैं। महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं ये, जो प्रदेश के मुखिया जब जनता के बीच पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं को खुद सुनते हैं और उन समस्याओं के निराकरण की उनकी तरफ से लगातार कोशिश रहती है। तो ऐसी ही ये कुछ खास तस्वीरें उदयपुर से सामने आई हैं। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।